शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसे कम पैसे में तो वो हमारे साथ सो सका था। हम रंडियों को प्यार करने का कोई हक नहीं है। मैं इस मंदिर का धर्माधिकारी हूँ। उसे डर न लगे है मुझे अब। अरे छोटे डाक बाबू, क्या हुआ भाई? अरे का है, साइकिल पर तितली और बसंतिया के साथ सैर कर रहे थे, हमने आपको आवाज दिया कान पर जू तक न रहेगा। वाह छोटे डाक बाबू, हमको चांटा और बसंतिया के साथ सैर सपाटा। देखिए चिंटू जी, आप शरारती बच्चे की तरह हमारी जिंदगी में ज्यादा ताक झाक करने की कोशिश मत करिए, बोले देते हैं। अरे डाक बाबू, ये झाकने वालों में से ना ही है। अच्छा, ये तो लोगों की खुशी में नाचने गाने वालों में से है। डाक बाबू, तो का नाचना गाना आता है का? क्यों काहे, 5 मिनट पहले तो कह रहे हैं जो कहोगी करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नाच के गाएंगे थोड़ी ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल ना। वैसे भी आप डाक बाबू का कलाकार ज्यादा लगते हो। अरे डाक बाबू चलो ना मेरे दोस्त, हमारे सबसे अच्छे दोस्त ने बोल दिया। चलिए फिर, अगर ऐसी बात हो तो हम भी कंकर को हीरा और दीपक को सूरज दिखाई देते हैं। चलो आ जाओ। ये बात पर हम गाएंगे क्या? ओ चेताया था मैंने तुझे, नोच लूं तेरी आंखें, काट लूं तेरी जीभ। ये काम मैं एक चुटकी में कर सकता हूं। तेरी चीख कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उस वक्त तेरी कटी हुई जीभ मेरे हाथों में होगी। मुझसे क्या गलती होगी महाराज? मैंने क्या किया? बहुत नादान बनने की कोशिश कर रही है, बहुत नादान बनने की कोशिश कर रही है। तेरा काम है मर्दों के साथ बिस्तर पे चढ़ना। साइकिल पे चढ़ना नहीं। यहां मेरी मर्जी के खिलाफ धूल भी अपनी जगह नहीं बदलती। माफी दे दो महाराज, हमसे गलती हो गई, आपसे पूछे पूछे कभी ना करे, कभी ना करे महाराज, हमसे गलती हो गई, माफी, गलती हो गई, गलती हो गई। साली कुतिया, वो डाकिया एक ऐसा इंसान है जिसने भुवन पंडा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, वो भी भरी सभा में, जिस पवित्र जगह से भगवान की तरह मैं अपना राज चलाता हूं। बड़ी सुसरी हो रही है ना, बड़ी सुसरी हो रही है, तो यहां नचवा लाल बत्ती में अपने बिस्तर पे, हाँ अपने बिस्तर पे। कितनी दुर्गंध आ रही तेरे शरीर से। भुवन पंडा के निरंतर चलते अत्याचार की दहशत बसंती की कोठरी से लेकर रंगपुर गांव तक गूंजती रही। इस तरह लाल बत्ती और समस्त गांव के लिए वो भगवान बना बैठा है। महाराज, ये लड़का और ये लड़की एक ही गोत्र के हैं। लड़का हमार गांव रंगपुर का है और ये लड़की मोहनपुर गांव की। आगे बोलो। महाराज, एक ही गोत्र के होने के नाते इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का होता है, किंतु इन दोनों ने आपस में विवाह करके निकट संबंधियों के साथ व्यभिचार करने का घिनौना पाप किया है, और उससे भी बड़ा पाप इस लड़की की कोख में पल रहा है। इस 20वीं सदी में हमारा विवाह खुलेआम मोहनपुर गांव में पूरे समाज के सामने हुआ है। अब मोहनपुर गांव में इतनी जागृति आ गई है कि उन्होंने इस विवाह को स्वीकार भी कर लिया, किंतु हमारा रंगपुर गांव कितना पिछड़ा हुआ है। महाराज, भूल तो इन लोगों ने की है,
और ई भूल का सुधार अब संभव ना हो। ई दोनों को कोई भी सजा देने से उसका बुरा असर तो वो निर्दोष बच्चे पर पड़ेगा जो ई लड़की की कोख में पल रहा है, जो कि गलत होगा। असुरों की संहारिणी, भक्तों की पालनहारिणी, जय महाकाली। जय काली जगदम्बे, जय काली, जय काली भुवनेश्वरी। सब अपने अपने घर जाओ। भुवन पंडा के डर के साए में रंगपुर और लालबत्ती फिर अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं, पर शायद विधि को यह मंजूर नहीं है। एक दिन बसंती के जीवन में कुछ अजीब घटना घटती है। उसके नाम का एक खत आता है। लाने वाला और कोई नहीं, डाक बाबू चंदन है। बसंती को बड़ा आश्चर्य होता है और वो चंदन से पूछती है कि शायद उसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि आज तक ना उसके नाम कभी कोई खत आया है ना आने की संभावना है। चंदन उसे समझाता है कि भले ही बसंती को पढ़ना लिखना नहीं आता, पर उसे आता है और वो अच्छी तरह पढ़ सकता है कि खत में बसंती का ही नाम और लालबत्ती का ही पता है। बसंती खत लेती है और अविश्वास से उसे देखती है। इतने में सारी लड़कियां कहने लगती हैं कि वो उनकी सारी चिट्ठियों को बड़े रोमांच से सुनती आई है और आज उसकी बारी है। काफी जोर देने पर ना चाहते हुए भी बसंती चंदन को चिट्ठी पढ़ने के लिए दे देती है। आइए देखते हैं कि किसने भेजा है यह खत। लिखते हैं, हाँ। हमने कांटों को भी दिल में जगा दी है। क्या? लोग बेरहम हैं, फूलों को मसल देते हैं। क्या कह रहे हैं? फूलन को मसल देते हैं और का? बसंती, तुम केवल फूली नहीं जिसमें रंग हो, सुगंध हो, सुंदरता हो, तुम हवा का सिर्फ झोंका भी नहीं जो सासों के साथ आता है और चला जाता है। तुम जीवन भी नहीं जिससे बिछड़ना तय हो। तुम क्या हो? क्या हो? निश्चित ही अंजाम, दीवाने की आवाज जिसे सुनते ही खुशबुओं में अंग अंग भरकर हवाओं में तरंग भरकर आती हो, और मेरा विशाल का प्रेम तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता है। काहे का प्रेम? बहुत बड़ा प्रेम, विशाल। हाँ, विशाल का। अच्छा। लिखते हैं आगे। और थोड़ी देर बाद नजर आता है कि दूर खड़ी तुम्हारी परछाई मुझ पर हंस रही हो। प्रेम से नहीं बल्कि मुझ पर तंज कर रही हो। तंज? तंज का होता है? अरे कटाक्ष। काहे डांट रही हो? हमको नहीं मालूम। अब समझ गई? आगे पढ़ो भैया। तंज नहीं समझती लेकिन कटाक्ष समझ लेती है। खैर, तब हम तड़प उठते हैं तुम्हें पाने के लिए। दौड़ पड़ता हूँ तुम्हारे घर की तरफ। पांव छिलते हैं, कटते हैं, जख्म बनता है, फूटता है, रिसता है, थकान बढ़ती जाती है, जुनून सीमा लंघता है। ठिठकता हूँ, रुकता हूँ। तुम्हारे घर के पास पहुंचकर अचानक ये आवाज निकल पड़ती है। अरे, यह तो सिर्फ दीवार ही दीवार है, दरवाजे नहीं। शायद यहां से कोई आते जाते नहीं। डाक बाबू, हाँ? ये कहाँ लिखा है? कहाँ? हाँ, यहाँ। यहाँ? पढ़ो। आगे पढ़े? हाँ। मगर हम हाथों में हाथ डालकर, कदम से कदम मिलाकर,
एक नए सफर की शुरुआत करेंगे बसंती, जिसकी मंजिल मोहब्बत होगी। मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। तुम्हारा ही गुमनाम आशिक। अरे बाप रे, ये चिट्ठी है या किसी शायर की शायरी? ए बसंती, ये तेरा कोई आशिक नहीं, कौन चोर है? किसी शायर की किताब से चोरी की गई है ये इसकी असली भाषा नहीं हो सकत। हाँ। जा जा, जलने की बुआरी है तेरे से, हजार रुपाली। चुप करा, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख करके। ये किसी शायर की शायरी नहीं है, ये तो हमें लगत है किसी पढ़े लिखे संवेदनशील आदमी ने लिखी है, जो हमार बसंती को आत्मा से चाहत है। आज तक लाल बत्ती के इतिहास में कभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई। बसंती का ये चिट्ठी पढ़ कर के तुम्हार शरीर के रोंगटा नहीं खड़े हो गए? सच बताएं दीदी, हमको तो लग रहा है कितना बड़ा बुद्धू आदमी है ई। क्यों? इसे कम पैसे में तो वो हमारे साथ सो सकत था। अरे अब ये देखो, इतना दिमाग लगाई के, इतना बड़ा बड़ा शब्द बोल बोल के का मिला उका? लेकिन कुछ भी बोलो डाक बाबू, हमार पहली चिट्ठी आई है। बसंती की पहली चिट्ठी आई है डाक बाबू, ही लो जगह पे रख दो ना। इन्हें आप समझाइए ना, हमेशा हमारी टांग खींचते रहते हैं। चलो मैं, चलो छोड़ो। अरे बसंती की चिट्ठी आई है रे लल्ला। कब बात करता है लल्ला साला, तू भी जो है। अरे उब गया हूं तुम दोनों सालों से, अब तुम लोगों की बातों में ना कोई रस है ना उत्तेजना। ऐसा लगता है तुम दोनों कुत्तों को बदलकर अपनी सेवा के लिए दो मनोरंजक कुतिया ले आऊं। महाराज आप तो महापुरुष हैं, आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन महाराज नया 9 दिन पुराना 100 दिन महाराज। वो बसंती आप तो जानते ना उसको, अरे वह रंडिया जिसको आप गलतियों के महाराज माफ कर दो महाराज, अब दोबारा नहीं होगा महाराज। तो हम बता रहे थे महाराज, वो बसंती जिसको आज तक जिंदगी में कोई चिट्ठी नहीं आई महाराज, पर अब तो उसका जीवन ही बदल गया है, कोई मिल गया उसे महाराज, एक तो प्रेम पत्र मिला है उसे। अच्छा, किसने भेजा है प्रेम पत्र? पता नहीं, सारा मौदा की हिजड़ा। बिना हम चिट्ठी भेजा है महाराज, भगवान जाने खाली चिट्ठी भेजकर और कौन सी जगह पूर्ति हो गई। तो सिर्फ बसंत जी को पता होगा। जब तक चिट्ठी है ठीक है, साला उस डाकिया से तो दूर रहेगी ना। मेरी ही बसंती, आशाओं को टूटते देखा खुद गर्जी के हाथों से, शीशे के बुत को ही यहां पत्थर का संसार मिला, चमकने की चाहत में हीरा ना जाने कितनी बार कटा, खामोश आंखें, कांपते होठ, कुछ कहने को लाचार मिले, तुम क्या हो? दीदी 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 उठो, बहुत बुरा हुआ दीदी। का हुआ? बहुत बुरा हुआ। का हुआ? किसी कलमे ने कोई बुरा बर्ताव किया? कम कस के पकड़ो मेरे बाल। का हुआ? का हुआ? का हुआ? का आप कह रही हो? हमको उससे प्यार हो गया दीदी। किसे? हम नहीं बता सकते, बहुत डर लग रहा है। देखो बसंती, हम रंडियों को प्यार करने का कोई हक नहीं है, प्यार वो शौक है जो हम लोगों के नसीब में नहीं है। हम जानती हैं तुम्हार दिमाग में ये हलचल उन प्रेम पत्रन के कारण हुई है, पर वो तुम्हारा आसिक लेखक है ना, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। हमारी जवानी में ऐसे कई लेखक आए और कई गए, पर का बवा, हम तो वैसे कैसे कोरे रहे ना। वो चिट्ठी वाले के बारे में बात नहीं कर रहे,
किसके बारे में बात कर रही हो? डाक बाबू। डाक बाबू? वो हमारे सपने में आए थे, वो पता नहीं क्या कर बैठे, बहुत डर लग रहा है दीदी, वो भी सपने में क्या कर दे रहे थे। बसंती देखो, बसंती हमारी बात सुनो, सपना सपना ही होते हैं, और बसंती सपने कभी असलियत नहीं बन सकते। हम लोगों के जीवन की सच्चाई बड़ी कटु है, सपने कोई पूरे नहीं करता। डाक बाबू सिर्फ दूसरन के जज्बातन का इजहार करत, वो उनकी अपनी भावनाएं नहीं। अरे लेखक और अदाकारा में बड़ा फर्क है, ये डाक बाबू की शब्द नहीं। डाक बाबू दूसरे के प्रेम पत्र को लाते हैं, तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं, पर तुम्हारे प्रेमी नहीं है बसंती। मगर हम उनका नहीं भूल सकते दीदी, हम उनका नहीं भूल सकते। अब हम क्या करें? हम क्या करें? तुम एक काम करो, अपना जी हल्का करवे के लेन, अपने मन की तड़प को मिटान के लेन, एक काम करो, उसे पटाओ और उसके साथ जा करके सो जाओ, सो जाओ। जी दीदी जी, ये आप कहाँ बोल रही हैं? वो और मर्दों की तरह नहीं है दीदी, उका तो हम छू भी नहीं सकते। वो छोटा है, कुंवारा है, हम उकी मासूमियत को कलंकित नहीं कर सकते दीदी जी। तो फिर क्या करियो? क्या कर, आजा बाबू देख, बसंती बिक रही है, आजा राजा आजा। और क्या करेंगे दीदी, वही जो आता है, हम चलते। ए बसंती, यह ना तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना, आओ हम तुम्हें अपने बचपन की एक लोरी सुनाए जो हमारी अम्मा हमें गा के सुलाया करती थी। थोड़ी देर आओ हमारे कन्या में आकर के लेट जाओ, आओ जी हल्का हो जाएगा। नींदिया ही नींदिया आँखों में, नींदिया ही नींदिया आँखों में, सो जा राजकुमारी सो जा, तुझे आएंगे सपने हजार, सो जा राजकुमारी सो जा। सच से बढ़िया सपना होता, ये ले डाक बाबू चिट्ठी पढ़ने के पैसे। नहीं नहीं ठीक है, नहीं चाहिए, रखिए। पर बात तो बताइए, आज बात क्या है, बसंती नहीं दिख रही? आपकी नजर हमेशा बसंती को कहाँ ढूंढती है? आप हमका कुछ कम है डाक बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। तोहरा खातिर हम कब से सच संवर के बैठे हैं, हम जानते हैं। आप हमारे प्रेम पत्र खोल के अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना दिल खोल के रख देंगे। अरे समझ क्यों नहीं रहे? गारी गुलाबू, तू खुलवाती किसी और से है और लगवाती किसी और से। देखिए आप लोग अगर ये खोलने खुलवाने की बातें करेंगे तो आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे, बोल देते हैं हम जा रहे हैं। क्यों लड़कियाँ और ऐसे अपवित्र बातें क्यों कर रही हो, हटो। आइए बैठ जाओ। आओ दीदी। इनका नाम है चंदन। का नाम है चंदन? इसे माथे पर लगाते हैं, बिस्तर पर नहीं सुलाते हैं। चाय वाय को पूछो कि नहीं? राजू। हाँ दीदी। जरा चाय तो ला भैया। अभी लाया। ये लीजिए डाक बाबू। आ भी गई। अरे पहले ठहरो। आज हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वो क्यों? पहले अपने नीके नीके हाथन से हमें जरा पान तो खिला दो। ये लीजिए। क्या बात है। आज हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वो क्यों? आज ही के दिन वो पहली बार हमारे यहाँ आए थे। वो, आधा पान अपने दांतन में गड़ा के, क्या बात, आधा हमसे काटने के लिए कहा। पहले तो हम
सकुचाए, शर्माए, फिर बड़ी हिम्मत करके हमने भी अपने दांत गड़ा दिए। होठ से जब होठ टकराए तुम्हार कसम हमार गाल इबान की पीक से भी ज्यादा लाल हो गए। दीदी आपकी बातें सुनकर आप ही के गालों की तरह हमारे कान भी लाल हो रहे हैं। जरा चाय तो दे दो। अरे हाँ। चाय। इतनी जी? शर्म का है डाक बाबू। अरे पूछ दो। एक ही वर्दी है, इस पे भी दाग लग गया, लगता है अब छूटेगा नहीं। अरे घबराओ मत चंदन बाबू, कपड़न पर लगा दाग तो झागो साबुन से मिट जाते हैं, पर जवानी पर लगा दाग जिंदगी भर नहीं छूटे थे। अब हम चलते हैं। अरे बबुआ नाराज हो गए का, पूरी कहानी तो सुनते जाओ। अरे जाओ, ये तो जवानी के अंगार हैं, बीच बीच में सुलग जाते हैं। ये पर घी ना डालो। ये चंदन बाबू आप ही कहिए ना दीदी को। अच्छा चलिए दीदी, सारी लड़कियां बोल रही हैं, चलिए हम भी नहीं जाएंगे, सुनाइए आगे क्या हुआ। सुनाओ ना। अब का सुनाए, अच्छा जब उनने ये बोली हमसे तो हमने अपने पैर में घुंघरू बांधे और कूदी और का गाना गाओ। जन मोरी जंगल में क्या बात है, डाल गयो रे। जन मोरी जंगल में डाल गयो रे, सखी गोरे गोरे गाल, हे सखी गोरे गोरे गाल, ये पोडर मेरे राजा ने मंगाए दयो रे। जानो मोरी जंगल में डाल गयो रे, सखी लाल लाल होट, हे सखी लाल लाल होट, ये पान मेरे राजा ने मंगाए दयो रे। जाना मोरी जंगल में डाल गयो रे, सखी काली काली आंखें, हो सखी काली काली आंखें, ये काजल मेरे हाय, ये काजल मेरे राजा ने मांगा है गयो रे। जान मोरी जंगल में डाल गयो रे, जान आगे कहा तो भूल गई। महाराज कल हम लाल बत्ती गए हुए थे, वहां तो हंगामा मचा हुआ है, कुर्सियों का फव्वारा छूट रहा है वहां पर। कल वाले पत्र में तो उसने लिखा है कि रविवार को आके बिया रचाएगा, वो भी काली माँ के मंदिर के भीतर सबके सामने। महाराज महाराज वो आपके सामने आके बसंती के मांग में सिंदूर भरेगा और वो रंडी को अपना पत्नी बनाएगा, और तोर महाराज वो तो की बच्चे को भी अपनाने को तैयार है। मानना पड़ेगा महाराज, जो भी है वो आशिक, बहुत दम है उसमें, बहुत दम। शब्दों से कर्म की सिद्धि नहीं होती। भुवन पंडा गर्दन कटवाना पसंद करता है मगर नाक कटवाना असंभव, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी ही बसंती, सिंदूर वो भी केवल चुटकी भर, जिसे मन नहीं माप सका, नजर नहीं समेट सकी। गर्व जहां अदना है, गुरूर जहां उचित है, जिसके माथे पर सजा हो सिंदूर वो भी केवल चुटकी भर, जिसके माथे पर सजा हो उसके अंग अंग से खुशियां फूट पड़ती हैं, बिना सुर संगीत के ही संगीत गूंजने लगता है, कद इतना ऊंचा कि आसमान के चांद को उंगलियां छूने लगती हैं। हाँ बसंती, जिसके माथे पर सजा हो सिंदूर वो भी केवल चुटकी भर। बसंती दो दिन बाद मंदिर में सबके सामने तुम्हारे माथे पर यही सिंदूर लगाकर विवाहिता का दर्जा दूंगा और तितली को पिता की सरपरस्ती। मैं आ रहा हूं बसंती तुम्हें अपना नाम देने, तुम्हारा ही गुमनाम आशिक। लेकिन डाक
डाक बाबू। आज सुबह मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलवाया है कि इस गांव के ऊपर एक भयानक विपत्ति आने वाली है, एक ऐसी स्थिति आने वाली है जो हमारे गांव की सभ्यता को भ्रष्ट कर देगी। क्या हुआ महाराज, ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है? लाल बत्ती की एक वेश्या शादी करने जा रही है, वो भी मंदिर में। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा गजब बात है महाराज। किसके साथ, कौन है वो? जो भी है वो, ये शादी नहीं हो सकती। इस शादी पे रोक लगानी होगी। पंचायत, बुजुर्गों, गांव वालों को मेरा साथ देना होगा। अच्छा, का है? का है उस बेशिया का ब्याह वर्जित है, और उसका असर हम गांव वालों पर कैसे पड़ेगा? जय काली। हाँ महाराज, मुखिया जी सही तो कह रहे हैं, वो का ब्याह कर लेने दीजिए ना, वो का ब्याह का ये गांव की समस्या से का लेना देना। दुनिया बनाने वाले ने स्त्रियों को तीन रूप दिए हैं, एक देवी का, दूसरा वंश बढ़ाने के लिए पत्नी का, और तीसरा वासना पूर्ति के लिए वेश्या का। हर किसी का अपना अपना स्थान है। किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल? अब मुखिया, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूं। मैं इस मंदिर का धर्माधिकारी हूं, पूरे गांव का रखवाला हूं। अगर आज मैंने उस गुप्त प्रेमी को एक वेश्या से शादी करने की सहमति दे दी, तो कल हर कोई कुंवारा या विवाहित एक घृणित नारी को अपना बनाकर इस समाज की पवित्रता को तोड़ेगा, और इसकी सहमति मैं कभी नहीं दूंगा कि हमारे परिवारों में एक वेश्या मां या पत्नी का स्थान ले ले। इसका अंत बहुत भयानक होगा। हे भगवान, महाराज के ई तेवर का असली बात अब समझ में आया। उस गुमनाम आशिक ने महाराज का जो इस गांव पर अधिकार है और जो उसका अहंकार है, उसकी नींव हिला दी है। और कारण कौन है? बसंती, जो दोनों को चाहिए। किसी भी स्त्री को वेश्या होकर जन्म लेना भगवान का श्राप है, उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अब तुम लोग ध्यान से सुनो। कल रात माता मेरे सपने में आई और उन्होंने कहा, अगर रंगपुर गांव की किसी भी वेश्या ने शादी की तो इस गांव पर घोर विपत्ति आएगी, सूखा, महामारी फैलेगी। इसलिए तुम लोग मेरा साथ दो, किसी भी तरह हमारे शिष्यों से मिलकर उस गुप्त प्रेमी को ढूंढो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बोलो, तुम लोग मेरा साथ दोगे? प्राचार्य शिक्षित गांव वाले, इस पांडा ने तो उन्हें बुरी तरह डरा रखा है। सदियों से इस पांडा जैसे पंडितों ने इन लोगों के दिमाग पे अंधविश्वास का जाल बिछा रखा है, और आज उनकी उसी बात का फायदा उठाते हुए वो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और ये लाचार गांव वाले उसकी हर बात को भगवान का आदेश मानकर स्वीकार कर लेते हैं। मिश्रा, यहां एक शब्द बोले बिना चुपचाप यहां से निकल जाओ, समझे? जाओ। बसंती, 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 इतनी रात गए, तुम कहां जा रही हो? डाकघर, डाक बाबू से मिलने। डाक बाबू से मिलने? अब तुम्हारा ब्याह होने वाला है, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रही हो? हमें नहीं मालूम दीदी, हमें नहीं मालूम हम क्या कर रही, लेकिन हमें एक बार डाक बाबू से मिलकर उनसे ये कहना बहुत जरूरी है कि हम जो ये ब्याह कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं, तितली के लिए कर रहे हैं, उका भविष्य के लिए, उका जिंदगी के लिए। मगर प्रेम तो हम डाक बाबू से ही करते हैं ना। आज ये सच, ये प्रेम हमको जता लेने दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें जाने दीजिए। देखो बसंती, तुम हमें माँ कहती हो ना, आज वही माँ तुम्हारे पाँव पड़ रही है। मत जाओ बसंती,
अगर भुवन पंडा को मालूम पड़ जाएगा तो तुम्हारी गर्दन काट देगा। दीदी, इस लाल बत्ती में घासलेट फेंक देगा। दीदी, उस नीच आदमी का नाम हमारे सामने मत लो। बसंती जिंदा कर लो। अगर आज हम नहीं गए दीदी तो जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि हमने उनसे क्यों नहीं कहा। एक बार बस, एक बार कह लेने दीजिए, फिर हम जाएं दीदी, हम जाएं। दीदी जाओ, संभाल के जाना, जाओ। माँ दुर्गा ना डाक बाबू, रोशनी में मत आइएगा, हमारी हिम्मत टूट जाएगी। तुम चिट्ठी बहुत अच्छी पढ़त हो डाक बाबू, इतनी अच्छी कि हम ये भूल गए थे कि वो चिट्ठियां तोहार लिखी ना ही थी, शब्द कोनो और के थे, लेकिन उनके मायने तो हम तो उसे ही समझे थे ना डाक बाबू। हम ये बिया तितली के लिए कर रहे, उसकी आजादी के लिए, लेकिन उससे पहले हम एक सच बोलने आए हैं, अपने लिए बहुत साहस लेकर आना पड़ा है डाक बाबू, इसलिए हम पर गुस्सा मत होइएगा। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है डाक बाबू, बहुत कुछ। अब जब से हमारे जीवन में आए, हमें लगा जैसे हमारी इच्छा फिर से जीवित उठी, हंसने की इच्छा, कहने सुनने की इच्छा, जीने की इच्छा, प्यार की इच्छा। बस इसी में जाने अनजाने हमसे भूल हो गई डाक बाबू, एक ऐसी भूल जो हमारे जीवन का सबसे सुंदर सच है, लेकिन वो सच तो उसे कहे बिना हम अकेले ढो ना पाएंगे। डाक बाबू, हमें तो उसे प्रेम है, बहुत प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जिसने हमें लाल पत्ती में रहकर भी आजाद कर दिया, ऐसा प्रेम जो हमारे मन तन आत्मा को खुद में नहाकर पवित्र कर दिया है। अरे इस प्रेम ने तो बेशरम बसंती को शर्माना सिखा दिया है। बहुत शक्ति है इस प्रेम में डाक बाबू, बहुत शक्ति है। देखो इसने एक वैश्या को, बसंती को, सिर्फ तितली की मां बना दिया है। आज वही तितली के सबसे प्यारे दोस्त से आज्ञा मांगने आई है और ये पूछने आई है डाक बाबू कि कभी कहीं एक पल के लिए ही सही, क्या तुहार दिल में भी हमारे लिए कोनो जगह था।
अरे ना ही कह दो ना डाक बाबू, मगर बसंती को इस बोझ के साथ विदा मत करो। हाँ कुछ तो कहो डाक बाबू। पंचायत होके पूरे 2 दिन हो गए, भुवन पंडा के डर से अब लाल बत्ती में कौनो आने को तैयार नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात है दीदी, ये सन्नाटा काटने को दौड़ता है। बसंती पागलपन छोड़ो, अपना फैसला बदल लो। अरे तोहार उधार के लिए कौनो नहीं आने वाला, वो प्रेम पत्र में कौनो सच्चाई नहीं है, और अगर सच्चाई होती तो भुवन पंडा के ऐलान के बाद कोई यहाँ आने की हिम्मत करेगा नहीं ना। बेकार के सपना मत ले ओ। अरे अपनी किस्मत में तो बस ये लाल बत्ती है, यही जीना यही मरना यही अपनी असलियत है। फालतू की बातें मत सोच, सब कुछ ठीक चल रहा था, चैन की नींद, 2 भगत की रोटी रोजी। सिर्फ अपने बारे में सोचना बसंती स्वार्थ है। जरा इन लोगों के चेहरे देखो कैसे लटक गए। अब पूरी इस लाल बत्ती में मुर्दनी सी छाई गई है, कहीं अच्छी बात है? फैसला बदल दो, ये आप कह रही हैं दीदी? आप जिनकी हम इतनी इज्जत करें, वो जो हमारी एक ऐसी माँ है जिसने हमें कोख से ना सही दिल से जाना है। बहुत दुख हो रहा है दीदी आपकी ये बात सुनकर, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। कहाँ छुपा है आपसे दीदी हमार जन्म, हमार लाल बत्ती में एक कमरा, तितली का हमार कोख में आना, कौन सा फैसला हमार था दीदी? कोई भी तो नहीं। और आज आप चाहती हम तितली की आजादी भी किस्मत पे छोड़ दें, कुछ ना करें, जानबूझकर अपनी तितली को बसंती की जगह दे दें? ये कैसा फैसला है दीदी? ये हमसे ना होगा, ये हमसे ना होगा। आप जो माँ होकर हमारे लिए ना ही कर सके वो शायद आपकी मजबूरी थी, लेकिन आज अगर वो मजबूरी हम तितली पे थोप दे तो वो हमार कमजोरी होगी ना दीदी। ये फैसला अब ना बदलेगा, और आप माँ दुर्गा की भक्त होकर हमसे कमजोरी की बात करती, ये फैसला हमारे लिए ना ही है दीदी, ये फैसला तितली के लिए है। हम अपने बारे में ना ही सोच रहे हैं दीदी। और आप देखना, आप ही की दुर्गा माँ हमको शक्ति देगी कि हमारा बढ़ाया हुआ कदम फिर पीछे ना हटे। चुप करो। महाराज, महाराज जी से पता नहीं क्या कह रहे हैं, कोई ने इस पर जादू टोना कर दिया। महाराज माफ करो, माफ करो महाराज, महाराज जीवनदार महाराज बच्चा महाराज माफ कर दो, माफ करो महाराज, माफ करो। तू साली रंडी की रंडी रह गई, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है, सारी घसीटता हुआ गांव के बाहर फेंक दूंगा, हुक्का पानी बंद कर दूंगा तेरा। तितली ना, बड़ी तितली तितली कर रही है। अबे साली तेरी तितली भी तो तेरी तरह रंगी। हार गंदी जुबान पे मेरी तितली का नाम मतला, मतला तू का समझा थे रे? हमका कोई समझ नहीं? हाँ धर्म के नाम पे सबको लूटत है, बुद्धू बनाता है सबको, दिन में पूजा रात में कुछ दूजा,
अरे काली माँ की भक्ति कर रहे है तू? घंटी बजा के, शंख बजा के बड़ा बड़ा श्लोक बोलता है रे तू, और रात में एक माँ के पेट पर लात मार के उसके दर्द में, उसकी चीख में अपनी महापुरुषता ढूंढे है तू? दोगी बसंती, अरे बस कर, बोल रहे थे मुझे, आज हट जाए। तू का बोला था रे मुझे, का बोला था रे मुझे? छिनाल रंडी हाँ हो, लेकिन तू जाके बोल अपने माँ बहन को कि रात रात भर कैसे इस रंडी के तलवे चाटता है तू। हाँ, तुम्हारा शरीर जरूर छीना है, हमें मारा है, पीटा है, नोचा, लेकिन पापी आज भी हमार आत्मा सिर्फ हमार है, सिर्फ हम। रुका तू जैसा महापुरुष छू तक ना सका रे, छू तक ना सका। चला जा यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे डर ना लगे है मुझे अब? बिल्कुल डर ना लगे है, तुझे जो करना है जाके कर, लेकिन याद रखना तेरी इस जुबान पर अगर मेरी तितली का नाम फिर से आया तो मैं इसको काट लूंगी इसको। कब बाद पूरी दुनिया में तेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, इस वक्त तेरी ये जीभ मेरे हाथ में होगी। के बिस्तर में भी तेरे लिए जगह नहीं, चला जा। और सुन ले, लाल बत्ती हमार घर है, तू का रोकेगा हमें मंदिर में घुसने से रे? लाल बत्ती में तेरे जैसे नीच आदमी का आना मना है। ए दीदी फाटक बंद कर दे रे, चला जा यहां से। तू डरा के मारता है, हाँ? मेरी तितली का नाम लेता है तू? तितली का नाम लेता है, बहुत हो गया। डरा के मारते हैं। मेरे भगवान तू ही बता, क्यों धरती पे मुझे जन्म दिया? क्यों सांसों में तूने सरगन दिया? क्यों सीने में तूने धड़कन दिया? जब सबका लक्ष्य केवल है अंत, तो फिर क्यों तूने जीवन दान दिया? मेरे भगवान तू ही बता, क्यों धरती पे तूने जन्म दिया? जब तेरी लिखावट ही है पत्थर की लकीर, तो फिर क्यों कर्म का भ्रम दिया? तूने हर वस्तु को अपने हाथों रचा इस सृष्टि को, तो फिर क्यों किसी में सुगंध तो किसी में दुर्गंध दिया? अरे जब सुन ही नहीं पाता है तू, तो फिर क्यों इन कंठों में तूने स्वर दिया? मेरे भगवान तू ही बता, क्यों क्यों? छोटे डाक बाबू, बवाल बात है। क्यों, क्या हो गया? हुआ नहीं, होने वाला है। हमने उल्लन को नशे में कहते सुना
कि भुवन पंडा आज रात वसंती को मार डालेगा और पूरे गांव को आग से जलाकर राख कर देगा। उसे रोकिए, वो भुवन पंडा बहुत ही हरामी किस्म का आदमी है छोटे डाक बाबू। छोटे डाक बाबू, वो रात जब आप हम दुखियारों के लिए लड़े थे ना, आपने आवाज उठाई थी, तभी हमको लगा था कि आप आग भले ही ना सही लेकिन चिंगारी जरूर है जो एक बगावत को भड़का सकती है। कुछ करिए छोटे डाक बाबू, कुछ करिए। हमें नहीं लगता कि तो हर प्रेमी अब आएगा। उसका प्रेम सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित है। जाओ अपना सिंगार विंगार उतार दो। हम लोगों के जीवन की सच्चाई बड़ी कटु है। जिस माथे पर एक बार कलंक लग जाता है वहां मांग का टीका शोभा नहीं देता। धोखेबाज साला हमारे बच्चे के साथ खिलवाड़ कर गया। शब्दन के जाल में फंसा दिया साले ने। गलती उका नहीं थी, जो हम धरती दिखाते हैं। गलती तो उका है जो अपनी औकात भूल जाते हैं। हम अपनी औकात भूल गए थे दीदी, भूल गए थे कि एक लाश पर लोग रो सकते हैं। उका अपने घर में कोई जगह नहीं देता। समझ गए बात, ये बात अब हम समझ गए। हमसे फिर ये गलती कभी ना हो। तू का टुकुर टुकुर देख रही है? का देख रही है? कहाँ देख रही है? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी तू? कहाँ जा रही थी? अरे गांठ बांध ले इस बात को, तू हमार तरह यहीं पर रंडी बनेगी। रंडी? सच सच के लाली पोत कर कहाँ जा रही थी? सपने देखने का इतना ही शौक है तो जा ढूंढ ले कोई दूसरी माँ। कारे, कारे, शादी करेगी साली। चली जा यहाँ से, चली जा, छोड़ देगा, चली जा। अरे हट, चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा यहाँ से, यहाँ से चली जा। सजा दजा के नंगा करते तुरे जी जी हट ना रे, हट हट। बसंती अब टूट चुकी है और जैसा वो हमेशा कहा करती थी वो वही करेगी जो उसे आता है और अपनी पुरानी जिंदगी में ढलने की कोशिश करने लगती है, वही वैश्या की जिंदगी। बसंती, अरे ओ बसंती, बसंती, अरे क्या हुआ? आ रही हूं। क्या हुआ? देखो तो डाकघर से कौन आए। बड़े डाक बाबू, आप इस वैश्या से का काम आन पड़ा आपको? हमारे नाम की कोई चिट्ठी आई है का? और वो दूसरे डाक बाबू, वो नहीं आए, काम छोड़ के चले गए का? अरे का रे, वो कहीं नहीं गया। दरअसल यही बताने मैं यहाँ आया हूँ। उस रात जब चंदन
उस मेले से निकला। ए भुवन पांडा, कौन से भगवान ने यह कहां लिखा है कि एक औरत को देवी पत्नी या एक वैश्या ही बनकर जीना होगा? ये सब तुम ढोंगियों की बातें हैं। अरे तुझ जैसे लोग ही गरीबों को, अशिक्षितों को अपने काबू में रखने के लिए धर्म को साधन बना रहे हैं। अरे धर्म तो प्रेम है रे, अधिकार है, सही जीवन जीने का रास्ता है ये। और तेरे लिए धर्म जहर है, नफरत फैलाती है, हथियार है जो लोगों को लाचार बनाती है, बारूद जो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी चाहती है। साधु नहीं, शैतान है तू। महापुरुष नहीं, अरे काम पुरुष है तू। आप बाहर आ, तुझे दिखाओ कि चाहे अन्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर इंसानियत की एक गलती से ठोकर कैसे उसकी धन की उड़ा देती है। ए भैरुपिये, ए दुरिंदे, मैं सत्य हूं, सत्य जो हमेशा से दृढ़ है, अटल है, चाहे कुछ हो जाए पर सत्य अमर है। आके खोल बेटा। बसंती, बसंती तुम आ गई, छोड़ना मत, हमें छोड़ना मत। निशा, नरेंद्र बेटा, मास्टर, आके खोल बेटा, आके खोल बेटा। ब्याह का समय हो गया बसंती, तैयारी कर ली, हमने पूरी तैयारी कर ली है। चंदन ही तुम्हारा वो गुमनाम आशिक था जो तुम्हें प्रेम पत्र लिखता था। बेटी, यहां मैं तुम्हें और अपनी नातिन को यहां से बहुत दूर ले जाने आया हूं। चल बेटी। ए, ए,
वही पालकी और उस पालकी पर उसका मृत देह उसी प्रकार रखा गया है जिस प्रकार वो जीवन भर उस पे सवार होता रहा है। भुवन पंडा जैसे लोग कभी नहीं मरते। उसका क्रूर चेहरा अपनी अनुयायियों और समाज पर कटाक्ष मार रहा है और चेतावनी दे रहा है कि मुझे मृत समझना मूर्खता है। अपनी धार्मिक कट्टरपंथी नीतियों से समाज पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए और उन नीतियों को न मानने पर अत्याचार करने के लिए वो बराबर जन्म लेता रहेगा। अब तो आप मुझे पहचान ही गए होंगे। जब तक मैं यानी सच्चाई का प्रतीक इस संसार में मौजूद हूं, युगो युगांतर तक बुराई का यही अंत होगा। बसंती और चंदन का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रंगपुर गांव को भुवन पांडा के आतंक से मुक्ति मिल गई और पूरे गांव वालों ने बसंती को अवतार की तरह स्वीकार किया। बसंती और तितली को बेहतर जिंदगी देने के प्रयास में चंदन ने अपने प्राण तक की आहुति दे दी। इस घटना ने पोस्ट मास्टर नरेंद्र के वैश्यों के प्रति नफरत को बदलकर उन्हें प्रेरित किया कि वो बसंती के वर्तमान और तितली के भविष्य को बेहतर बनाने की पहल कर सकें। नरेंद्र ने अपना वादा निभाते हुए बसंती और तितली को लालबत्ती के उस अंधकार में जीवन से दूर ले जाकर आजादी, संपूर्णता और सम्मानीय भविष्य प्रदान किया। इस नए जीवन से बसंती ने अपने सारे सपने पूरे किए। तितली को पूरी शिक्षा मिली और उसकी अच्छे घर में शादी हुई। सारे देश में वैश्यों के उद्धार जैसे सामाजिक कार्य करके तितली को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। तो मेरे सदियों पुराने राहगीर, अब तो तुम जान ही गए होगे कि भारत के हर गांव में एक ऐसी जलती चिंगारी है जिसे अगर भड़का दिया जाए तो वह ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है और समाज के शोषण व दोहरेपन को अपने भीतर समा लेती है। पर अगर तुम लोगों को शिक्षण के हथियार से ज्ञान का पाठ पढ़ा सको तो उस सुलगती चिंगारी को आग और फिर उसे राख बनाने की बजाय एक रोशनी जलाने का काम दिया जा सकता है जो अंधेरे को दूर कर दे।